सियासत व्यापार धर्म ते फिल्म जगत दे नाल हुण कैनेडा ते अमेरिका दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। गल करिए अज की तरीक अज की पीढ़ी के विच इसकी बहुत ही ज़्यादा खास अहमियत है तो इसी अहमियत नू लेके माँ प्यो भी अजक चाहते ने कि उन्होंने बच्चे एक तो एक सब तो वधिया स्कूल दे विच जान ते ए जिहड़ी पढ़ाई है उन्होंने सब तो वधिया मिले उसी स्कूल दे राहीं। सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी ते मैं हाँ शिफाली। अज असी अजिहे सरकारी स्कूल ते पहुंचे हाँ कि जिथे सरकारी स्कूलों की गल करिए कहा जाता है कि इत्थे पढ़ाई ठीक नहीं हुंदी है या असी आम हर बार सुनिया है कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा वधिया ने, पर यह जिहड़ा सरकारी स्कूल है यह प्राइवेट स्कूलों नालों भी वध इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी असी तुहानू दिखा रहे हैं कि किन्नी क सोहनी है तो प्राइवेट स्कूलों नू मात भी दिंदी आ रही है। इस दे नाल ही यह जिहड़ा स्कूल है यह है गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी मल्टीपर्पज स्कूल जो कि लुधियाने दे विच है ते एडमिशन्स दी जेकर स्कूल विच गल करिए सब तो वध एडमिशना इत्थे हो रही ने ते माँ प्यो अपने अपने बच्चों नू सिक्ख्या दे लई पढ़ाई दे लई इसी स्कूल दे विच पाना चाहते ने। वधेरे इहो जी जानकारी इन्हां तों लैंदे आ कि किन्ने इदां दे विद्यार्थी ने जिहड़े कि प्राइवेट स्कूलों विचों आ के जिन्हां दे मापिया ने उन्हां नू इहो जिहे स्कूल विच पाया है जिहदा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तुसीं वेख सकते हो कि किसी भी प्राइवेट स्कूल नालों घट नहीं है ते सरकारी स्कूल जिन्हां दी इमेज बनी हुई है कि वधिया नहीं हन पर वह भी बहुत ही सोहना नज़र आ रहा है। आओ गल करदे आं उन्हां दी प्रिंसिपल नवदीप मैडम जी दे नाल ते जानदे आं किंज इह सरकारी स्कूल दे विच इह सारियां चीज़ां हुंदियां आ रहियां ने। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। स्कूल की जेकर गल करिए गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल जिहड़ा थोड़ा है ये बहुत ही टाइम तो मतलब अखबार में आ रहा एडमिशन्स नू लेके। हाँ जी मैडम, ये 1875 का बनया हुआ स्कूल है। मेरा ख्याल है कि पंजाब के बहुत पुराने स्कूलों के बीचों एक है। तीन मल्टीपर्पज स्कूल है, एक पटियाले है, एक फिरोजपुर के, और इहदा नाम चलता जी शुरू तो ही बड़ा अच्छा रहा है। अच्छिया स्ट्रीम्स चल रही हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, पर इस बार तो कमाल होगी। पिछले साल 1700 बच्चा सी, इस बार अज 3300 बच्चा हो गया जी। मैम एडमिशन्स नू लेके ही वधौटी एकदम आई है जो कि पंजाब सरकार ने भी दसा कि मल्टीपर्पज स्कूल लुधियाने का एहोजा स्कूल है जिस दे विच एडमिशन्स एकदम काफ़ी ज़्यादा वधिया ने ते 15% एक क्राइटीरिया दिता होया सी। मैडम पहला तो नहीं इन्ना सोचा सी कि इन्नी हो जाऊ, क्योंकि बहुते पेरेंट्स बच्चों के इस तरह के यूपी बिहार में बिलोंग करते हैं तो काफ़ी चले भी गए बहुत, क्योंकि साढ़े स्टाफ दियाँ पहले ड्यूटीज़ भी लगिया हुई सी, टिकट्स वास्ते बुक कीतियां और उन्होंने भेजिया, मोस्टली लोग चले गए सी। पर मैं ये लगता सी कि इस बार एडमिशन बहुत घट जू, पर मैं और मेरे स्टाफ ने इन्ना सी पहला सीरीयसली इन्ना नहीं लिया, फिर असी काफ़ी खिंचया इस काम एडमिशन वाल लेके। मेरे पुराने बच्चे जिहड़े मेरे बहुत कॉन्टैक्ट के बच्चे है, बड़े अच्छे मेरे नाल रिलेशन अज भी उन्होंने, और अच्छी पोजिशन के उपर भी है वो, और उन्होंने भी हेल्प की। फिर बच्चों के असी सारी एडमिशन ऑनलाइन की, एक दिन भी स्कूल नहीं आए कोई भी नहीं आया। जे गल करिए स्कूल की गवर्नमेंट स्कूल की जिते असी भी सुनते हैं हर बार गल करते हैं तो कितना कितने कहा जाता कि प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चों पूरी इंपोर्टेंस दी जाएगी, टीचर देख रेख करती है जी, सरकारी स्कूल एक मिथ जो कह सकते हो सोसायटी में बनया हुआ वै, ये शायद तुम भी सुने है, मैं भी सुनेगा, हर एक ने सुना है कि सरकारी स्कूलों लैके लोगों के दिमाग में कितना कितने डाउट रहता। मैडम गल ये जिहड़ी चीज़ सस्ती हुंदी है किसी नूं पसंद नहीं, महंगी चीज़ हर एक नूं पसंद है। जदों आपां कहिंदे चीज़ सस्ती है तो अगला बॉदर नहीं करदा, आपां नूं ऐ हुंदा कि चलो फ्री दी चीज़ है। मैं इत्थे ये गल कहनी है जे गल सस्ती दी आई तां लोग पी जी आई जां एम्स वल क्यों भजदे, उह भी तो सस्ते है, ठीक है ना। हाँ सरकारी है, बस मैं इक्को गल कहनी इहदे लई कि फिर लोग पी जी आई भी ना जाण, एम्स भी ना जान, प्राइवेट जिहड़े छोटे छोटे हॉस्पिटल दे डॉक्टर है उत्थों इलाज करा लैन। उस वेले बंदा क्यों प्रेफरेंस दिंदा, क्योंकि हर चीज़ अच्छी है, हर ट्रीटमेंट अच्छा है। इस तरह सरकारी स्कूलों के विच भी बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम हैगा, और प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लासेस है, ई कंटेंट्स है, मिड डे मील मिलता बच्चों, होर बहुत तरह दी फैसिलिटीज़ मिलदियां। जे देखो आप कल्चरल एक्टिविटी की गल करिए, कितने भी पार्टिसिपेशन की गल करिए,
प्राइवेट स्कूल बच्चों तो पैसे लेंदे हैं तैयारी करो। प्राइवेट स्कूलों में यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नू लेके भी गल हुंदी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा वधिया हुंदा है, एक एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है, एक एक चीज़ क्योंकि उन्होंने लाइबिलिटी बन जाता है कितने ना कितने बच्चा, तो सरकारी स्कूलों में कहा जाता है कि ये चीज़ा देखने घट वध मिलती है। मैडम तुम मेरा फोन चैक कर सकते हो, हमने 3300 बच्चा मेरे को हो गया और हर एक बच्चे का नंबर सेव्ड है मेरे को बाय नेम बाय क्लास, तुम मेरा फोन चैक कर सकते हो और किसी बच्चे नू किसी टाइम कोई मुश्किल आती है असी गल करते, मैं भी करती हूँ मेरा स्टाफ भी करता, किसी टाइम भी चाहे रात को 12 बजे भी गल करना असं गल करते हैं, हर एक का नंबर हूँ भी आ रहा है फोन थोड़े गल करते करते, 7th क्लास का बच्चा सी फोन कर रहा हूँ मैं फिर रिंग ऑफ की जी। मैम एडमिशन्स नू लेके गल होवे तां तुहाडे कोल किन्ने कु बच्चे है, पहला तो एसटीमेट तुसीं सानूं दसो कि इस टाइम पर किन्ने बच्चे जिहड़े है वह इस साल की एडमिशन दे विच तुहाडे कोल आए ने, किस तरह किहड़े बच्चे मतलब मतलब जिन्हें भी एडमिशन इस टाइम पर हुई हैं थोड़िया उस एडमिशन लैके मैं गल करी। साढ़े को 2100 बच्चा तो प्राइवेट स्कूल तो आ गया जी, तो बाकी गवर्नमेंट स्कूलों तो 350 के करीब गवर्नमेंट स्कूलों तो आ गया, मतलब 21 स्कूल प्राइवेट स्कूलों का बच्चा जो लुधियाने का वह भी इस स्कूल में आ चुके जी साढ़े को। हूँ प्राइवेट स्कूल के मैं ना नहीं लेना चाहती, फोन भी आ रहे उन्हां दे के सानू कुछ बच्चे दे दो तुसी एडमिशन ना लो उधर करो बच्चों की, पर मैडम देखो जिहड़ा साढ़े घर च आ गया घरों आए नूं असीं धक्का नहीं मारदे, असीं वेलकम करदे जिहड़ा भी कोई आउंदा साढ़े कोल, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं असीं, कहिंदा साडा कोई परसनल इंट्रस्ट है नहीं, सानू इह है वी बच्चे ग्रोथ अच्छी होए सब दी। कि प्राइवेट स्कूलों के थोड़ा अजिहे फोन आ रहे हैं कि तुसी सानू एडमिशन दे दो, तुसी मैं हुणे मतलब तुसी ज़्यादा फोन कर रहे हो, तुसी मतलब बच्चे कुछ दे दो, तुसी बच्चे लेके जा रहे हो, पर मैडम असी किसी बच्चे नू जबरदस्ती प्राइवेट स्कूल चो लेके नहीं आए, बच्चे खुद आ रहे हैं, कितने असी एडवरटाइजमेंट नहीं की, कितने भी नहीं की जी। एडवरटाइजमेंट बहुत एक वड्डा रोल भी अदा करती है, जिदा कि हर एक स्कूल जेकर गवर्नमेंट स्कूलों की तो एडवरटीजमेंट कित भी देखने मिलती नहीं, पर प्राइवेट स्कूलों की बधेरी यहोजी एडवरटीजमेंट है जी हर जगह देखने मिलती है। मैडम ये है जी जिहड़े बच्चे मैं इतने 22 साल पहला लैक्चरर पोलीटिकल साइंस रही हूँ इस स्कूल, फिर मैं प्रिंसीपल बन के 2 साल 1.5 साल बाहर लगाया जी, हूँ मैं दोबारा इतने आ गई, जिहड़े मेरे को पढ़े हुए बच्चे है वो काफ़ी अच्छी पोजिशन से पहुँच चुके हैं, उन्होंने बड़ा माण महसूस होंगे, वो कहें भी जो साढ़े मैडम अपने ही है अच्छा लगता, जो पुराना स्टूडेंट आता उन्होंने चेयर दें आप उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, वो होर बच्चों लैके आए कहें जी साड़ी तो इतने चलती है तुम आओ, उ लैके आ रहे बहुत। तो मैम एक होर सवाल मैं थोड़े तो पूछना चाहनी हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में क्या जाता है टीचर्स नू कि जी हाईली क्वालिफाइड है टीचर्स, तो अलग अलग तरीके के टीचर्स लेके आए जाते हैं, जिदा कि जेकर लैंगुएजस की गल करिए वोकल्स की गल करिए तो अलग अलग लैंगुएजस लेके आए जाते हैं कि बच्चा होर सीखेगा होर तरीके भाषावां सीखेगा वधिया अंदाज दे नाल हर एक चीज़ नू लेके जाएगा। मैडम जे गवर्नमेंट स्कूल इन्ने माड़े हो जदों टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होंदा है तो उदों प्राइवेट स्कूल के टीचर गवर्नमेंट स्कूलों क्यों आते जॉब वास्ते, मैक्सीमम साढ़े स्कूल सेंटर बने से डीपी और फिजिकल लैक्चरर के इतने एग्जाम हुए हैं और मोस्टली जिहड़े असी देखे पेपर देने आ रहे थे स्टूडेंट्स वह प्राइवेट स्कूल के टीचर से, जो प्राइवेट स्कूल इन्ने बैटर है तो वह गवर्नमेंट स्कूल जॉब लैन लिये क्यों आ रहे, तो क्राइटीरिया उन्होंने मतलब काफ़ी टीचर्स के लिए जो कि प्राइवेट स्कूलों के होंगे उन्होंने लिए क्राइटीरिया भी होंगे कि तुम इन्ने पढ़े लिखे होने चाहिए हो इन्ना इन्ना एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा, ये बारे में कुछ नहीं कहना चाहती कि थोड़ा नहीं लगता कि गवर्नमेंट स्कूल के ज़्यादा क्राइटीरिया ज़्यादा हार्ड जॉब्स होंगे प्लेसमेंट दे। मैडम बिल्कुल मैरिट के अकॉर्डिंग होंगी है जॉब मिलती है मैरिट के अकॉर्डिंग, मैरिट तो बिना मिल ही नहीं सकती जॉब, मतलब जो हार्डवर्क है वह कितने गवर्नमेंट टीचर्स का ज़्यादा है एक जगह बनाने के लिए जेकर स्कूल दे विच उन्हें दाखला लेना है एज अ टीचर। बिल्कुल मैडम प्रॉपर मैरिट बनती है ता ही बंदा गवर्नमेंट जॉब चाहता है, अदरवाइज जे साडे मार्क्स घट हो जाते हैं तो फिर असी कितने भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो मैम जेकर एडमिशन की गल करिए किन्ने साल के बच्चे है जिन्हें सब तो वड एडमिशन तुहाडे कोल आ रही हैं इस टाइम के, मतलब जेकर आप एक क्लास नू लईए तो कि अजिही क्लास है जिद सब तो वध बच्चों की गिनती हो रही है। मैडम 11th दे विच बहुत ज़्यादा एडमिशन आ रही है और अज भी मैं घर तो इतों तक पहुँचते पहुँचते भी फोन बच्चों के आ रहे मैसेज आ रहे जी लिंक भेज दो एडमिशन का, क्योंकि मैं तुम्हें पहला भी दसिया कि असं कित भी पैम्फलेट कित भी एडवरटाइजमेंट नहीं किया और वो असी लिंक जो भेज दें बच्चों बच्चे फॉर्म सबमिट कर देंगे एडमिशन हो जाती है जी।
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ ਫਰੈਂਕਲੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬਣਾਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਭਰਨ 'ਚ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨਲਾਈਨ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12, 1, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਅਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਜਿੰਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਬਾਇਓ ਦੇ ਮੈਡਮ ਹੈ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਮੇਲਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਭੋਪਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ 4ਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਲਵਈ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ IMA ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿੱਥੇ IAS ਔਫੀਸਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਸੂਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ 11th 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਫਲਾਨਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਟੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੇ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਪਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੇ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 1000 ਰੁਪਏ 3 ਦਿਨ ਘੁਮਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 3-star ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਏ ਆ ਬੱਚੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੌਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੌਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸਟਾਫ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਆਉਣਾ
ਇਹ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਾਲੀ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84374 94648, 84374 94648।